अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रुमानाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और चिकन का सालन, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, झटपट से बनके तैयार हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये सालन। तो चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे बनाया ये चिकन और आलू का सालन। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था एक पतीली, उसमें मैंने तेल डाल दिया था। ये तकरीबन 2 कप मैंने इसमें तेल डाला था और जो चिकन है वो मैंने 1 kg लिया है और अच्छे से उसे वॉश करके ड्राई कर लिया था। इसमें मैंने 3 प्याज लिया है मीडियम साइज़ की, वो आपको इसमें डाल देना है और अच्छे तरीके से ना इसे ब्राउन कर लेना है। आपको इस तरीके से ब्राउन करना है क्योंकि उसका हमें ब्रिस्ता बनाना है। तो इसमें आप हल्का सा नमक डाल दीजिए बहुत ही कम क्वांटिटी में और उसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये ब्रिस्ता बन के तैयार हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं, एक साइड में रख देते हैं और उसके बाद इसका जो है ना, हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हमें ना हाथों से ही क्रश कर लेना है। और इसे ना आप फ्रिज में रख देंगे ना तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्रश हो जाएगी। तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो अभी ये तेल गर्म है और इसमें हम डाल देंगे चिकन। अच्छे से इसे वॉश करके मैंने रख लिया था चिकन को, ये 1 kg है, इसमें आप डाल दीजिए और इसे ना हाई फ्लेम में आपको भून लेना है। चिकन को बहुत ही हाई फ्लेम में भूनना है और ताकि इसका जो पानी वगैरह है वो रिलीज जो होता है ना वो ड्राई हो जाए और स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो इसे मैंने हाई फ्लेम में खूब अच्छे से भून लेना है ताकि जो है स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये रेसिपी आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सा स्पॉट आ चुका है। तो अभी हम यहाँ पे डाल देंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ना अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच अदरक है। ये पूरा मैंने डाल दिया था, ज़्यादा सा जाएगा इसमें क्योंकि चिकन है वो 1 kg मैंने डाला था। और इसे डालने के बाद ना बहुत अच्छी तरीके से भून लीजिए आप, ताकि जो मैंने बताया ना, जो इसे भूनने से क्या होता है ना, चिकन बहुत ही अच्छा हो जाता है, जूसी बन जाता है और जो स्मेल वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया था और फ्लेम को बिल्कुल लो नहीं करना है, हाई फ्लेम में ही आपको भूनना है। उसके बाद ये देखिए भून चुका था, इसमें यहाँ पे कुछ मसाले डाल दूंगी। जैसे कि मैंने ये ले लिया था, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 3 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और ये 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इन सारे मसालों को ना हम डाल देंगे अपने इस जो चिकन हम यहाँ पे भून रहे थे ना, उस चिकन में हमें आप इसमें डाल देना है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छी तरीके से भून चुका है, तो ये सारे मसालों को हम यहाँ पे डाल देंगे। और डालने के बाद भी आपको ना इसे पहले तो हाई फ्लेम में ही भूनना है, बाद में थोड़ा पानी डाल के आपको इसे फिर फ्लेम को मीडियम करना है। लेकिन अभी तो पहले हम इसे खूब हाई फ्लेम में भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो थोड़ा अच्छी तरीके से भून जाए, उसके बाद फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है यहाँ पे। अगर हम फ्लेम को हाई करके मैंने भूनना स्टार्ट कर दिया था और ये चिकन क्योंकि ऑलरेडी भून चुका है, मैंने ये अदरक लहसुन डाल के भून दिया था। और यहाँ पर हम डाल देंगे 1 कप दही, और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा, बस दही हम इसमें डालेंगे। इसे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। फ्लेम को लो करने के बाद आप दही डालिएगा वरना दही फट जाएगी। और उसके बाद दही डालने के बाद भी आपको भूनना है। दही डालने के बाद भूनने से क्या होता है ना, चिकन की पीसेस जो है वो टूटती नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो चिकन की पीसेस है ना वो खड़ी खड़ी रहती है, टूटती नहीं है। तो अब ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है और अब हम यहाँ पर ना थोड़ा पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसे रख देंगे भुनने के लिए ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से भुन जाए। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के रख दिया था। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे आलू। मैंने 1 आलू में 2 इस तरीके से कट किया है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं काटा है मैंने, और इसे भी डाल देंगे ताकि जो मसाले थोड़ा बचे हैं ना भुनने के लिए, उसी मसाले के साथ ये आलू भी गल जाएगा और मसाले जो थोड़ा हमारे अभी कच्चे हैं ना वो भी भुन के तैयार हो जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अब इसे मैंने ना रख दिया था 10 मिनट्स के लिए कि आलू जो है ना वो अच्छे से गल जाए और मसाले जो वो भी भुन जाए। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट्स हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो प्याज है वो हम डाल देंगे इस तरीके से, क्रश करके डालना है आपको। पेस्ट अगर आप डालना चाहते हैं तो बना के डाल सकते हैं। वैसे क्रश करके डालने से क्या होता है ना, जो सालन वगैरह ना बहुत ज़्यादा टेस्टी दानेदार बन के तैयार होता है। और इसे भी डाल के ना आप रख दीजिए पकने के लिए 5 मिनट्स के लिए, ताकि जो प्याज में ना मसाले का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरीके से आ जाए। और इसका कलर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा आया है और ग्रेवी भी कितनी थीक हो गई है ना प्याज डालने की वजह से। तो अब हम इसे थोड़ा पानी इसमें हम ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 कप पानी आप इसमें डाल दीजिए
ताकि जो प्याज है वो और अच्छी तरीके से गल जाए और हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इसे हम रख देंगे 10 मिनट्स के लिए पकने के लिए, और हम इसमें रखेंगे 10 मिनट्स, और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए सालन कितना ज़्यादा अच्छा बन के तैयार हुआ, इसकी रंगत देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है ना। तो इसे आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और यूं ही झट से बन के तैयार हो जाता है। और इसे गर्मा गर्म आप जब सर्व करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को खाने में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सालन बन के तैयार होता है। और ये सालन है तो इसलिए इस तरीके से इसको थिक नहीं रखते हैं हम, ऐसा पतला ही रखते हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो सालन जो है ना वो चिकन और आलू का जो ये हमने बनाया ना ये शोरबा, ये इसी तरीके से पतला रहता है। और इसके अंदर अभी हम डाल देंगे ज़्यादा सा हरा धनिया कट करके, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च ज़रूर से डालिएगा, इससे क्या होता है ना बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। और डालने के बाद बस आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और मिर्च को इसी तरीके से रहने दीजिए सालन में। और 10 मिनट के बाद जब आप सालन का टेस्ट देखेंगे ना, जब आप इसे सर्व करेंगे ना, इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है ना मिर्च डालने की वजह से, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आप देखिए ये कितना अच्छा बन के तैयार है। और आप कहाँ से ये रेसिपी देख रहे हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा, मैं वेट करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए चैनल पर जो नए हैं वीडियोस के एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और वीडियोस कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैंने सर्व करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये कितना ज़्यादा अच्छा ये सालन बनके तैयार हुआ था। और आप इसे ना गर्मा गर्म चावलों के साथ जब खाएंगे ना, और या रोटियों के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है और इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना कि जब भी आप इसे बनाएंगे तो मुझे ज़रूर से याद करेंगे और कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा मुझे कि कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग और नए रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। जब तक आप ये सालन ज़रूर से ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी चिकन आलू की सालन की रेसिपी। A few moments later. और ये सुबह के बज रहे थे 7, और मैंने डब्बे में ऑफिस के लिए मैंने ये बनाया था वेज पुलाव, इसमें मैंने वेजेस डाले थे और ये सोयाबीन भी डाल दिया था क्योंकि सोयाबीन पसंद करते हैं मेरे घर में लोग। तो ये मैंने थोड़ा ही बनाया था क्योंकि मुझे ये टिफ़िन में देना था, और फिर मैंने फटाफट से टिफ़िन पैक कर दिया था। ये गर्मा गर्म पुलाव देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और जब इसमें सोयाबीन पड़ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें आप चाहें तो पनीर भी डाल सकते हैं, बट मैंने पनीर नहीं डाला था, मैंने यहाँ पे गाजर मटर आलू और गोभी और इस तरीके से सारी वेजेस डाल दिया था, और ये डब्बा मैंने पैक कर लिया था। जान को करा रही मैं भी पढ़ाई, ये भी थोड़ा होमवर्क मिला था बहुत सारा पढ़ने को। शुक्र जल्दी थिंग्स नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग्स। रोज़ का यही रूटीन है जरान का, क्योंकि सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना और ब्रेकफास्ट के बाद सीधा पढ़ाई पे बैठना, क्योंकि वो जब सुबह में पढ़ता है ना तो बहुत फ्रेश रहता है, बहुत फ्रेश होता है। इसलिए मैं उसको सुबह में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं, वरना ना हाफ आवर्स वो हो जाता है। अगर 1 आवर भी पढ़ लेता है तो अच्छा होता है। हो गया पढ़ के, लिख लिया तुमने ना? चलो चलो अभी चलो जाके अपना नाश्ता करो, और नाश्ता करने के बाद फिर बाहर निकल। का नाश्ता फ्रेंच फ्राइज ये खा रहे हैं, पढ़ाई हो गई है अभी इनकी तो अब ये नाश्ता कर रहे हैं, भूख लग गई थी इनको। तो जरान को पढ़ा के हो गया है, और अब मैं थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। जरान भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है जैसे कि देखा आपने, मैंने उसे दिया है फ्रेंच फ्राइज, सॉस के साथ खा रहा है काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि मैं रोज़ देती नहीं हूँ। और वैसे तो उसे मैं पराठा ही खिलाती हूँ सुबह में, और या फिर अंडा या कुछ भी रोटी के साथ, रोटी नहीं बट पराठा या पूड़ी ऐसा कुछ खिलाती हूँ मैं, क्योंकि वो खाना ये खाने के बाद वो सीधा स्कूल चला जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़ा जो भी है देखती हूँ खाना वगैरह का, और उसके बाद फिर शाम में मैं बनाऊँगी आलू और चिकन का सालन। आलू चिकन का सालन की रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, झटपट से बनके तैयार हो जाता है, उसे ज़रूर से देखिएगा। और उसके साथ मेरा एक छोटा सा ब्लॉग,
और अभी बस मैं भी जरान को पढ़ाया, नाश्ता कराया और अब मैं खुद भी नाश्ता करूंगी, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। आज दोपहर के खाने में हम लोग बना रहे हैं भिंडी दाल चावल। जरान का खाना इनका है और ये मेरा फटाहट भिंडी और ये रोटी। जरान चावल खा रहे हैं, मैं भिंडी, इनको पसंद है रोटी। तो अभी खाना बन गया और मैंने जो रेसिपी शूट किया है चिकन आलू की वो भी शूट हो चुकी है, आप लोग रेसिपी को ज़रूर से देखेगा। और अभी नहा लिया, नमाज पढ़ लिया मैंने और अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। मैं और जहरान आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो अभी खाना खा के हो गया है, मेरा खाना खा लिया और ना मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, ये जैसे कि ये पैलेट है, अच्छा लगा था ऑनलाइन मैंने देखा था तो फिर मैंने सोचा मंगा लेती हूँ मैं। और देखिए ना ये कलर आते ही जरा ने उंगली भी मार दिया इसमें, ये देखो मैं। और कलर अच्छे हैं इसके, ये देखिए इतना अच्छा सारा, इतना सारा कलर है, ये देखिए इसमें ना कलर बहुत अच्छे हैं सारे, बट अभी यूज़ करके पता चलेगा ना। लाइट शेड भी है और डार्क भी है, मैट वाला भी है, बहुत अच्छा है, सारे कंटोरिंग वगैरह भी है इसमें, कंटोर भी है, कलर बहुत अच्छे, डर भी लगता है इसको खोलने के लिए। और इसके कलर ना बहुत अच्छे हैं, जो भी कलर है ना इसमें लाइट शेड भी है और डार्क भी है और बहुत पिगमेंटेड है। मैं दिखाऊँ आप लोगों को एक दो कलर जो कि अच्छे लग रहे थे, कौन सा वाला दिखाती हूँ, ये देखिए मैं एक ब्लू दिखाती हूँ आप लोगों को, जो स्काई ब्लू है ना, ये देखिए ये कितना पिगमेंट, अच्छी शाइन बहुत है इसमें हाँ, लेकिन ये देखिए। और दिखाऊँ और कौन सा वाला है, हाँ ये वाला मैट वाला भी है इसमें, मैट का भी है इसमें, ये देखिए ये भी शेड देखिए है ना, ये मैट वाला है ये, लेकिन जो वो जो शाइन वाला है ना पिगमेंटेशन वाला बहुत अच्छा है, हर कलर इसमें सारा कलर है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए लाइट शेड भी है डार्क भी है, अच्छा है कैसा शाइन हो रहा है ना, ये मैट वाला ये देखिए मैं यहाँ पे लगाती हूँ, मेरा हाथ पूरा खराब हो रहा है, यहाँ पे लगाती हूँ, यहाँ पे मैं लगाती हूँ, अच्छे से शेड्स है इसमें, यहाँ पे लगाऊंगी ये आई शेडो है, आई पैलेट है, मैंने ना लगा लिया, मैंने ज्यादा डार्क हो गया है, ठीक है उंगली भी साफ हो जाएगी मेरी। हाँ तो मैं यूज करती हूँ कभी कभी मैं ब्लशर, कोई अगर शेड मेरे पास मुझे ऐसा चाहिए होता है डार्क तो फिर मैं थोड़ा सा ना ये यूज कर लेती हूँ अपने चीक्स पे, वैसे तो टिंट यूज करती हूँ। और एक कलर और है, हाँ ये भी बहुत अच्छा है, और जिसमें ग्लिटर है ना, जिसमें ग्लिटर है ना वो भी बहुत अच्छा है, ग्लिटर ये देखिए मेरे, ये देखिए इसका कलर देख रहे आप कितना ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, सारे सारे शेड है इसके अंदर। पिंक वाला मैं दिखाऊं आप लोगों को, पिंक वाला ग्लिटर कितना अच्छा है, किधर मेरे हाथ में जगह ही नहीं बची है, इधर 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 करती है, ये देख रहे हैं आप कितना ज्यादा अच्छा है ना, अच्छा लगा ये पैलेट मुझे पसंद आया। और सारी चीज़ें नहीं, जैसे कि लिपस्टिक वगैरह भी मैंने ऑर्डर किया था, अच्छा नहीं है बिल्कुल, ये ठीक है मैं सोची एक बार ऑनलाइन, वैसे तो मैं ऑनलाइन मेकअप का सामान यूज़ नहीं करती हूँ फेस पे, अपने भरोसा नहीं है मुझे, लेकिन ये अच्छा अच्छा निकला,
और कौन सा शेड दिखाऊं? ग्रीन दिखाती हूँ मैं, ग्रीन ये देखिए, ठीक है, ये कहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ इधर इधर दिखाती, इधर ही करती हूँ मैं, ठीक है। तो अच्छा है ना, अच्छा कलर है, अच्छा शेड है ना, सारे शेड अच्छे हैं। और कौन सा? येलो वाला नहीं, तो ये सारे पैलेट ना अच्छे हैं। और ना इसके साथ ना मुझे एक चीज फ्री मिला है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल लोकल सा ही लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ये देखो, ऐसा लग रहा है कितना पुराना, एकदम बिल्कुल ओल्ड मॉडल सा भेज दिया है। एक मिनट बेटा, अरे बाप रे, खुल भी नहीं रहा। मैं सोच रही थी अभी खोलने बैठी, मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूं। ये देखो हाथ मेरा पूरा कलर हो गया है, ये देखो ये ग्लिटर देखो, अच्छे कलर है ना, नीचे थी पिंक, पिंक दिखाती हूँ, पिंक पिंक देखो, आप पिंक अच्छा है, अरे इसमें दूसरा कलर चढ़ गया है मेरे हाथ का, नहीं लग गया, लग गया, लग गया, वाह, हल्की हल्की से शाइन आ रही है, इतना अच्छा पिगमेंटेड है ना ये। और देखो ये जो चॉकिंग पिंक कलर होता है ना, रानी वाला, रानी कलर जिसको, अरे बाप रे, ये तो ड्राई है, इसमें तो जेल ही नहीं है, जेल ही नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे दिखाती हूँ, इसके अंदर ना जेल खत्म हो गया है, तो ये अच्छे से स्टिक नहीं होगा, ये देखिए, ये अच्छा नहीं है बाबा, ये अच्छा नहीं, समझ में नहीं आया, लेकिन ये जो सारे शेड है ना ये अच्छे हैं, ये जो मैंने दिया है ना, और ये अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है बाबा, इसमें तो ना हाँ जेल ही नहीं है इसमें। मैं इधर अपनी आईज पे लगा के देखूं क्या, सिल्वर वाला, आजकल ऐसा चला है ना बहुत ज्यादा मेकअप, वो अच्छा लगता है। अरे जरा रुको, मुझे लगाने दो बाबू, एक मिनट, जरा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये क्या गंदा है, मेरे बेटे को ना मेकअप वेकअप पसंद नहीं है करना, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं उसको पसंद नहीं है मेकअप, रुक जाओ एक मिनट, वो अभी प्रॉपर छी मत ना रखो, प्रॉपर मैंने किया नहीं है ना ये, इसके लिए अभी मैं इसे साफ कर दूंगी जरा, ठीक है, ये अच्छा नहीं है, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, अल्लाह ये क्या हुआ जरा, ये देखो, अरे बाप रे बाप, अरे यार रुको रहने दो, ये देखिए, ये जो ये था जिसका जेल खत्म हुआ था ना, वो मेरे कपड़े पे ऐसे चिपक गया पूरा, मैं भी, तुम्हारे भी कपड़े पे लग गया, ऐसा रहने दो अभी मैं साफ कर दूंगी, बाप रे फिर ऐसा पूरे घर वालों के लग जाएगा लीटर चिपकेगा, अच्छा नहीं लगा ये, नहीं अच्छा, हाँ लेकिन ये वाला पैलेट अच्छा है, ये मैंने मंगाया था कुछ 350 का था, ये दिल्ली से आया है, क्योंकि मुझे इसका लिंक ना इंस्टाग्राम पे मिला था, तो फिर मैंने सोचा ऑर्डर करते हैं, कितने दिन के बाद आया, एक महीने के बाद आया ये एक महीने के बाद आया है इसको मैंने जब ऑर्डर किया, बाप रे इतना टाइम लगा इसको आने में, चलो ये तो अच्छा है, ये पसंद आया, ये बेकार है, ये बच्चों को दे दूंगी मैं, वो अपनी डॉल को मेकअप कर करके खत्म कर देंगे जैसे बचपन में हम लोग करते थे डॉल के साथ, रख दो इसको, रख दो, और पता नहीं ये सब कैसा है,
क्या पता, लिपस्टिक जो है ये सब अभी तो पैक ही है, इसको मैंने खोला भी नहीं है लिपस्टिक को। न्यूट कलर है तो ऑलरेडी लगा हुआ। ये लिपस्टिक भी मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा कलर है इसका, मैंने हाथों पे लगाया है ये। अभी कहाँ पे लगा के दिखाऊं मैं आप लोगों को, इधर लगाती हूँ। ये कलर अच्छा तो ये सारी चीजें मंगाई थी मैंने, अभी तक दो दिन से आके ये रखा था और मैंने अभी इसे चेक नहीं किया था, सोच रही थी देखूंगी टाइम मिलेगा तो। फिर अभी आज सैटरडे है, इसका स्कूल भी नहीं है, काम सब खत्म हो चुका है, वीडियो भी शूट हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि चलो अब निकाल के देखते हैं, टाइम पास करते हैं। यहाँ पे ये वेस्ट हो गया, ये अच्छा है। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को एंड तक देखिएगा, और फिर मिलूंगी मैं बहुत जल्द नई रेसिपी और नई व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।